नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 21 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, पंजाब से संबंधित है। पंजाब में चन्नी ने संभाली कमान, रंधावा और सोनी उप मुख्यमंत्री, दो उप डिप्टी सीएम बने हैं पंजाब में। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सोमवार को चमकौर साहिब से विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। चन्नी के अलावा दो अन्य विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। सरकार ने रंधावा और सोनी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा देने का ऐलान किया है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, इसमें दिया है कि कोविशील्ड की खुराक को टीका नहीं लगा हुआ मानेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कोविड-19 से संबंधित यात्रा नियमों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक भारत में कोविशील्ड टीके की खुराक लेने वाले को टीका नहीं लगा हुआ माना जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और शशि थरूर ने ब्रिटेन के इस फैसले की तीखी आलोचना की है और कहा है कि इस फैसले में नस्लवाद की बू आती है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, असम में अगस्त 2019 की NRC अंतिम, ऐसा जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा, न्यायाधिकरण के द्वारा कहा गया है। असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने व्यवस्था दी है कि 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि NRC अंतिम NRC है। हालांकि भारत के महापंजीयक ने अभी इसे अधिसूचित नहीं किया है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, मोदी के साथ बाइडेन की शुक्रवार को बैठक व्हाइट हाउस के द्वारा, ऐसा कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सोमवार को जारी बयान को जारी राष्ट्रपति के साप्ताहिक कार्यक्रम में इस आशय की जानकारी दी गई, व्हाइट हाउस के द्वारा इसे जानकारी दी गई है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, अगले महीने से फिर कोरोना टीके का होगा निर्यात। आपको बताए चले कि देश में अब जबकि बिना अवरोध तेज वैक्सीन उत्पादन और रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन गति पकड़ चुका है, तो भारत फिर से मित्र देशों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार है। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत फिर से कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक भारत कोवैक्स कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत अक्टूबर से वैक्सीन का निर्यात शुरू कर देगा। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, मिसाइल उपकरण ले जा रहे चीनी पोत मामले की NIA जांच करेगी। आपको बताएं कि गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पिछले साल पहुंचे चीनी पोत से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस पोत से ऑटोक्लेव उपकरण को पाकिस्तान में कराची ले जाया जा रहा था। इस उपकरण का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में भी होता है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, मानसून राज्य से 10 अक्टूबर को विदा लेगा। बिहार से मानसून इस बार 10 अक्टूबर को विदा लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक सबसे पहले मानसून छपरा से 6 अक्टूबर को विदा लेगा। पटना में अब तक मानसून लौटने की तिथि 3 अक्टूबर थी, जो अब 8 अक्टूबर कर दी गई है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य के 13 जिलों में अलर्ट। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल में गिरफ्तार आतंकियों के मंसूबे का खुलासा होने के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक समेत स्थानों और भीड़भाड़ वाले जगहों को निशाना बनाने का अंदेशा जताते हुए RPF ने उत्तर बिहार के 13 जिलों को अलर्ट जारी किया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, बिहार में 6 माह में 6 करोड़ से ज़्यादा टीके लगेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 6 करोड़ के लक्ष्य से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाएंगे। टीकाकरण को और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर को हम लोगों ने तय किया था कि 30 लाख टीकाकरण करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पार करते हुए 33 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, फर्जी मतदान करते पकड़े गए तो जेल जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान करते हुए पकड़े जाने पर मतदाता को जेल भेजा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है।
वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही। इसमें दिया है कि टीकाकरण के पटना मॉडल को देश के 7 राज्यों ने अपनाया। पटना के अलावा कटिहार, दरभंगा, रोहतास, गया और भागलपुर में भी 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पटना देश के टॉप 10 शहरों में ही नहीं बल्कि अब यहाँ के मॉडल को कई राज्य अपनाना शुरू कर दिए हैं। अब तक 7 राज्यों में 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा शुरू हो गई है और सबसे पहले पटना में ही ये सुविधा शुरू की गई थी। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, मधुबनी स्टेशन पर मिले 65 संक्रमित। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रेन से मधुबनी स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों में 65 संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। रविवार को देर शाम से सोमवार सुबह तक स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी, पवन, सरयू, जमुना और गंगा सागर एक्सप्रेस से उतरने वाले यात्रियों की जांच की गई और इसमें से 65 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को बनेगी कमेटी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा के माध्यम से 13,120 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2016 में आवेदन के डेटाबेस में हुई गड़बड़ी की जाँच के लिए अब पहल शुरू कर दी गई है और BSSC इसका इंटरनल इंक्वायरी करवाएगा। वही अगली खबर आपको बताएं कि हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, इसमें दिया है कि नीट में धांधली, सरगना पीके का सेंटर ऑफ सेटिंग है बेंगलुरु। नीट के धांधली के मामले में सरगना पीके उर्फ प्रेम कुमार उर्फ नीलेश कुमार के सॉल्वर गैंग पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को वाराणसी, सारनाथ और अन्य जिलों की पुलिस ने यूपी, बेंगलोर, जयपुर और दिल्ली में छापेमारी की। क्राइम ब्रांच को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। बिहार के पीके का सेंटर ऑफ सेटिंग बेंगलोर में है। वही अली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 67वीं BPSC में 103 और रिक्तियाँ, विज्ञापन 2 दिनों में। 67वीं BPSC में DSP और कई पदों की 103 रिक्तियों को शामिल किया गया है। 1-2 दिनों में आयोग इस रिक्तियों को मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। वही अली खबर भी प्रभात खबर से, JEE एडवांस के लिए आज तक रजिस्ट्रेशन। 3 अक्टूबर को JEE एडवांस का आयोजन होने वाला है और JEE एडवांस 2021 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अंतिम तिथि 20 सितंबर थी, लेकिन IIT खड़गपुर ने JEE एडवांस 2021 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 1 दिन के लिए बढ़ा दी है। JEE मेन में टॉप 2.5 लाख तक रैंक लाने वाले स्टूडेंट JEEADV.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन 21 सितंबर रात 11:59 तक कर सकते हैं। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।